हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो सोशल मीडिया इस समय पे ना कहानी घर घर की बना हुआ है। किसी घर की बहू, किसी घर की बेटी, भाभी, ननद, सास, ससुर, भाई, बहन, सबके बीच में यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल की कंट्रोवर्सी और लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट लड़ाई झगड़े का मुद्दा बना हुआ है वो है भाभी ननद का मुद्दा। वैसे तो ये मुद्दा हर दो महीने में आता है आप सबके सामने, लेकिन इस बार इस मुद्दे ने हाइट पकड़ ली है और बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं हमारे सामने जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। पूरी पूरी सिंपैथी आपने, मैंने और शायद हम जैसे तमाम लोगों ने सरोज के ऊपर दिखाई कि पति शराब पीता है, नशा करता है, 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, बेचारी कैसे करती होगी। लेकिन आज उनका रंग रूप, बोल चाल, ये सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि बेचारी तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि जो इंसान दूसरे की इज्जत उछालने पर आ जाता है वो कहीं से कहीं तक बेचारी नहीं होता। जिन संस्कारों पर हम उनके गर्व करते थे, अच्छा समझते थे, आज उन संस्कारों की भी अच्छी तरीके से धज्जियाँ उड़ गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए दिखावा है, बेचारेपन का नाटक है, बाकी अंदर से ये लोग कैसे हैं वो आज आप सबके सामने भी आ गया। बहुत हैरान है ऑडियंस, बहुत ज़्यादा हैरान है ऑडियंस, क्योंकि इनको सबसे ऊपर रखा था। इन चारों भाई बहनों में इनको इज्जत देते थे क्योंकि ये ऐसा लगता था कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हैं। लेकिन बीते दिनों इनके बच्चों के संस्कारों की जो लिस्ट सामने आई है, जो संस्कार हमने अपने कानों से सुन लिए हैं, उसके बारे में आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। लेकिन इस हद तक इनके संस्कार चले जाएंगे कि इनका बच्चा धमकी तक देने को तैयार हो जाएगा। अभी तक तो एक बुआ को गाली गलौच ही कर रहा था और इस लेवल की कर रहा था, शायद इनके बाप दादा ने भी कभी इस लेवल की गाली गलौच नहीं करी होगी। ऊपर से इस बात को इस तरीके से ढका जाता है कि इसके जीन्स ही ऐसे हैं, इसके दादा ऐसे हैं, इसके चाचा ऐसे हैं, इसके पापा ऐसे हैं, तो वो भी तो ऐसा होगा ही। जी नहीं, वो ऐसा नहीं होता अगर आप उसको ऐसा बनने ही ना देते, है ना। तो अभी तक तो सिर्फ एक बुआ को गाली देने की पूरी ऑडियो हम लोगों ने सुनी और अच्छे से सुनी, कान खोल के सुनी कि किस तरीके से एक 17-18 साल का लड़का अपनी 35-40 साल की उम्र की बुआ मतलब माँ को इतना अभद्र भाषा में इतने गंदे लेवल की गाली गलौज कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि एक बुआ को तो सुना दी थी लेकिन नाराज़गी तो परिवार के हर इंसान से है, तो अब दूसरी बुआ को भी धमकी दी गई। यहाँ पे इनकी माताजी ने ये वीडियो बना दी कि मेरा बेटा गायब हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, घर नहीं आए हैं, लेकिन 2 घंटे में पुलिस के पास भी पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में प्रॉपर वीडियो भी बन जाती है और वीडियो में एक माँ का जो टेंशन होती है बच्चा खोने की वो नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ माँ के अंदर की भड़ास ज़रूर नज़र आती कि उन्हें हर बात में बस भड़ास निकाल ली है। तो 2 घंटे से बच्चा गायब नहीं है लेकिन बच्चा चैट पे दूसरों को धमकियां दे रहा है। स्नैपचैट पे मुझे लगा कि संजय किसका नाम बीच में आ रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मैंने सुनीता दीदी की वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि संजय वो अपने फूफा जी को बोल रहा था और उन्हीं के बेटे को, यानी कि वरदान को, सुनीता दीदी के बेटे को, उन्हीं के बाप को कुछ करने की धमकी दे रहा था और ये भी उससे बाकायदा पूछ रहा था कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वरदान सोच रहा कि वीडियो कुछ बनाएंगे जिससे उसे कोई लेना देना होता नहीं, ना वो कभी इनकी कंट्रोवर्सी में आता है, ना कभी उसे लेना देना होता है। इनफैक्ट इनके बच्चों के सिवा इस कंट्रोवर्सी में किसी के बच्चे नहीं आते, बच्चे सबके पास हैं, सबके पास बच्चे हैं और आजकल के बच्चों को बहुत अच्छे से बोलना आता है, लेकिन इनकी औलादों के सिवा बाकी किसी के बच्चे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं बोलते। तो उसने भी सोचा कि वीडियो का कुछ बनाने की बात कर रहा होगा, लेकिन वो वीडियो बनाने की बात नहीं कर रहा था, वो घर आके संजय को कुछ करने की बात कर रहा था, उसको धमकियां दे रहा था। जब इस पे उन्हें पुलिस की धमकी भी दी गई तो उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं था। तो आप यहाँ से देख लो ना कि आपने उसे क्या बना दिया है। जिस इंसान को पुलिस का डर ना हो, छोटे बड़े की लिहाज ना हो, वो धीरे धीरे क्राइम की तरफ ही बढ़ रहा है और इसी तरीके से एक क्रिमिनल पैदा होता है। इसी तरीके से बच्चा छोटे छोटे क्राइम करता है और बाद में उसका ढीठ खुल जाता है, उसके अंदर का डर ख़त्म हो जाता है और वो एक बड़े क्रिमिनल के रूप में सामने आ जाता है। यही शुरुआत होती है और इस शुरुआत में बच्चे की गलती पे उसको डांटने की बजाय, उसको सुधारने की बजाय जब माएँ उसका पक्ष लेने के लिए शुरू कर देती है ना, तो कल को यही औलाद फिर कब तुम्हारे ऊपर भी हमला बोल देगी, फिर उस दिन शायद तुम सोशल मीडिया पे आके ऐसी रोगे और तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि आप एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो, एक क्रिमिनल को बढ़ावा दे रहे हो उसे रोकने की बजाय। चलिए, ये बात पता नहीं थी मुझे। उसके बाद
इन्होंने अपनी वीडियो में सरोज भाभी जी ने पिछले 2-3 दिन से सपना का नाम और किसी के साथ तो ये जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सबको पता है, हम भी इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं। ये सुनीता को टारगेट कर सकते थे क्योंकि उसका पास्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, लेकिन उसके पास्ट में भी इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला है, उनको भी बदनाम करने के लिए बहुत कुछ झूठ बोला है, लेकिन सपना के लिए इनके पास कुछ नहीं था। तो इन्होंने सपना को कनेक्ट करा पहले तो किन्नर समाज के साथ, जिनको शायद हम लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे घर में कोई भी अच्छा काम होता है, चाहे वो बच्चा पैदा करना हो, चाहे मकान बनना हो, चाहे शादी ब्याह हो, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग तरसते हैं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद, चावल, सिक्के तक लोग जिंदगी भर अपने पास संभाल के रखते हैं। उस किन्नर समाज की इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी है। इनको ये नहीं पता कि जब वो लोग दुआएँ देते हैं ना, तो उनकी दुआओं का कोई तोड़ नहीं है, और जब वो बद्दुआ देते हैं तो उनकी बद्दुआओं का भी कोई तोड़ नहीं है। इन्होंने उस समाज का नाम लेके सपना के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश करी। अब किसके साथ करी ये भी आप लोगों को पता होगा कि सपना की एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, जिन्हें वो बहन भी बोलती है, फ्रेंड है उनकी, और उनकी बेटी उसे बुआ जी भी बोलती है, कुछ रिश्ते से बोलती हैं। उनका जो पहनावा है वो टॉम बॉय टाइप का है, मतलब वो लड़की हैं लेकिन वो कपड़े बॉयज़ वाले पहनती हैं। उनके साथ बीच में उन्होंने रील बनानी भी शुरू करी थी। अरे सुख दुख में हमारे कोई भी काम आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा उसके साथ कोई गंदा ही रिश्ता होगा। बहुत सारे लोगों का रिश्ता होता है किन्नर समाज के लोगों के साथ भी, वो अपने सुख दुख में उन्हें बुलाते भी हैं, एक पर्सनल रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई गंदा ही रिलेशन होगा। इन्होंने सपना का नाम उस लड़की के साथ जोड़ने की कोशिश करी जबकि वो लड़की है, लेकिन ये अपनी उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, कुछ अपना मन करता है, अपना दिल करता है, इंसान वो चीज़ें करता है। फ्रीडम है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हमें अपने तरीके से जीने की पूरी पूरी आज़ादी है। वहाँ पे आप किसी को उसके पहनावे की वजह से, उसका जेंडर जो असैसिनेशन कर रहे हो, उसके जेंडर पे जो सवाल उठा रहे हो और सपना के साथ उसका नाम जोड़ रहे हो, तो यहाँ से आपकी मानसिकता पता चलती है कि आपकी सोच कैसी है, किस सोच के आप इंसान हैं कि आप हमारे किन्नर समाज की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी आप ऊटपटांग बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट में हमारे इंडिया में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से लड़कियां लड़के, लड़के लड़कियां बनते हैं, पहनावा धारण करते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं होता उनका इस तरीके से मजाक बनाने का या उनके चरित्र को ख़राब करने का, कोई भी हक नहीं होता। लेकिन इन्होंने उस इंसान को भी, जो इस लड़ाई में था भी नहीं, उसको भी बीच में घसीट के इस तरीके से उसके बारे में गंदी बातें बोली। उसके बाद इन्होंने रंग रूप को लेके भी बातें बोली। मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि आप जब किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो ना, उसके रंग रूप, कपड़े पहनावे हैं, उसकी जात पात को लेके, तो एक बार अपनी तरफ देखना क्यों भूल जाते हो। भगवान ने किसी को भी सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। चांद में भी दाग है, चांद में भी दाग है, लेकिन हम फिर भी उस चांद को चांद ही कहते हैं, उस दाग को भूल के उस चांद की खूबसूरती ही देखते हैं कि ये चांद हमें रात में रोशनी देता है, उसका काम देखते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने रंग रूप पे इतना कुछ सुना दिया सुनीता के पति को, कभी उसको कालिया बोलते हैं, कभी उसको कालू बोलते हैं, मतलब क्या क्या ये लोग नहीं बोलते हैं। मैं वही बोलूँगी कि कमी तो अगर आप अपने अंदर देखोगे ना शीशा लेके, तो आपको अपने अंदर भी बहुत दिखेंगी, लेकिन कोई नहीं बोलता है क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं जा सकते। तो आप भी किसी के रंग रूप पे नहीं जा सकते। सृष्टि ने बनाई है चीज़ें, भगवान ने बनाई है, भगवान की चीज़ों को आप चैलेंज नहीं कर सकते, भगवान के बनाए हुए रंग रूप को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप किसी को काला, गोरा, छोटा, नाटा, काला, मोटा, पतला नहीं बोल सकते हो, लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी करी। उसके बाद सबसे बड़ी गलती इन्होंने जो करी, इन्होंने वाल्मीकि जी से बिलोंग करते हुए जितने भी कास्ट एंड क्रीड हैं, जिनको खुद हमारे संविधान ने एक रिस्पेक्ट दी है, खुद एक कैटेगरी दी है, हर जगह पे उन्हें कैटेगरी दी जाती है ताकि वो लोग भी बाकी लोगों की तरह ऊपर उठ सकें, तो इन्होंने उन लोगों को भी अपनी वीडियो में गाली दी है, उनका भी अपमान किया है और उनका नाम जोड़ा है सुनीता के साथ, उनका नाम जोड़ा है सुनीता के साथ। यहाँ से आपको इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये काले गोरे में भेद करती हैं, ये जात पात में भेद करती हैं, ये आदमी औरत में भेद करती हैं। तो आप यहाँ से ये बताइए कि फिर ये कैसी इंसान है जिन्होंने अपने
दुनिया से गए हुए स्वर्गवासी सास ससुर की इज्जत तक नहीं बख्शी, जो इस दुनिया से चले गए उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी इस कॉन्ट्रोवर्सी में लेके आई। जो सुमित्रा आज से 8-10 साल पहले अपने बच्चों को लेके अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी, उनके बच्चे भी इतने बड़े हो गए होंगे, वो भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके होंगे, इन्होंने उसका भी नाम ख़राब करने की कोशिश कर दी है अपनी वीडियो से, उसको भी इस गंदगी में घसीटने के लिए ललकारा जा रहा है। तो अपनी जंग जीतने के लिए ये बाकी सबको बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हैं, और जंग इनकी सिर्फ अपने पति से है, सिर्फ जंग अपने पति से। अगर इनका लड़ाई इनके पति से है, झगड़ा इनके पति से है, तो ये परिवार के और लोगों को बार बार टारगेट क्यों करती हैं? अगर ये झाड़ू पोछा करती हैं, अगर ये व्लॉगिंग करती हैं, अगर ये कोई भी काम करती हैं, तो अपने घर के बच्चों के लिए करती हैं ना? क्या ये पैसा ये किसी और पर खर्च करती हैं, किसी और को देती हैं? नहीं ना, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं ना, हर इंसान करता है। हमारे साथ भी आज हाउस हेल्प होते हैं जो घर पे काम करते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, लेकिन इसका ब्लेम वो किसी रिश्तेदार पे नहीं लगाएंगे। बच्चे उनके हैं, उन्होंने पैदा करे हैं, तो पालने की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनेगी। हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा करे हैं, पालने की जिम्मेदारी भी हमारी बनेगी, चाहे हम किसी भी तरीके से पालें उनको। इसके लिए हम किसी दूसरे को गलत नहीं बोल सकते हैं। अगर मियां बीवी में झगड़ा है तो इसमें किसी तीसरे की गलती नहीं है। शादी अपनी मर्जी से करी थी, 20 साल जो सेवा पानी करी तो अपने ही सास ससुर की करी थी, और आप ऐसे अलबेली नहीं हैं जो अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो। हर कोई करता है। बेटियां पराया धन होती है यही बोला जाता है। बेटियां किसी अपने सास ससुर की सेवा पानी करेंगी और बहुएं अपने सास ससुर की सेवा पानी करेंगी। 20 साल निकाले, 20 साल किसके साथ निकाल दिए? 20 साल अपने पति के साथ ही तो निकाले, अपने बच्चे पैदा करे, बच्चे के साथ निकाले, बच्चों की परवरिश करी, सास ससुर को संभाला, और किसी के लिए 20 साल क्या किया? अपनी ज़िंदगी तो जी। तो वो दूसरे को सुनाने का कोई भी मतलब नहीं है कि आप दूसरों को गिनवा रहे हो 20 साल। उनके भी 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 साल शादी को सबके हो गए ना, वो भी अपनी शादियाँ गिनवा रहे हैं क्या? हर किसी की शादी होती है, फिर उसकी जिम्मेदारी अपने ससुराल के लिए, अपने घर के लिए बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी उंगलियों में गिनाते रहेंगे 20 साल। 20 साल आपने अपनी घर गृहस्थी को दे रही है। अगर आपकी घर गृहस्थी नहीं सुधर पाई, नहीं हंस बस पाई, तो इसमें किसी और की कोई गलती है ही नहीं कि आप सामने वाले की गलती निकालो। लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट किया गया। आप कभी भी YouTube पे नहीं आ पाते अगर आपको यहाँ का रास्ता नहीं दिखाया होता। अगर आपके परिवार से एक यूट्यूबर नहीं बना होता तो इस परिवार का कोई भी इंसान YouTube पे नहीं आता, कोई आपको देखने नहीं जाता। शायद आज भी आप लोगों के झगड़े इसीलिए देखने जा रहे हैं कि अरे अरे अरमान की भाभी, अरमान की बहन, इसीलिए आज आपको व्यूज़ भी मिल रहे हैं क्योंकि आपके साथ ये नाम जुड़े हुए हैं। वरना कोई नहीं पहचानता और किसी को इंटरेस्ट नहीं होता कौन लड़ाई कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। झाड़ू पोछा मारने से छुट्टी तो मिली कम से कम, एक अच्छा काम तो सिखा दिया, एक रोज़गार तो दे दिया। उसके बाद इनके पति को कितनी बार रिहैब में डाला है, जिसके पेमेंट ये खुद भी नहीं कर पाती थी, इसके लिए इन्होंने अपने मुंह से खुद बताया है। इनके पास अपने पति को ना तो रिहैब में डालने के पैसे होते थे, ना ही उन्हें छुड़ाने के पैसे होते थे। वहाँ पे हर बार अरमान की फैमिली ने इनको सपोर्ट किया। लॉकडाउन के टाइम पे इनको खर्चा पानी दिया। कहाँ ये झाड़ू पोछे में 1000-1500 रुपये कमाती होंगी, और अब इनकी आमदनी 20-25 हज़ार उन्हें महीने का दिया जा रहा था। क्या बुरा लगता है? बोलते हैं कि डूबते हुए को तो तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। जो अपने झाड़ू पोछे की कमाई से 5-7 हज़ार कमा रहा हो और उसे घर चलाने के लिए 20-25 हज़ार मिल रहे हों, तो क्या वो कम होता है? लेकिन नहीं, इंसान को होड़ लग जाती है और उसे घमंड होने लगता है, और वो सोचता है कि पता नहीं मेरे से कोई कितना पैसा कमा रहा है या कोई क्या कर रहा है। ये होती है दिक्कत। तो इस वक्त पे ये हर वो तरीके की चीज़ें कर रही हैं जिस तरीके से ये उनकी फैमिली को फंसा पाए, उनको दिक्कत में डाल पाए, मेंटली टॉर्चर कर पाए। बदनाम तो ये कर चुकी हैं, इतना बदनाम ये पिछली वीडियो में कर चुकी थी कि इनकी खुद की ननद मरने की कगार पे आ गई थी। जैसे तैसे करके उनकी फैमिली ने उनको समझाया होगा, ऑडियंस का सपोर्ट उन्हें मिला, उस वक्त पे हम सब लोग घबरा गए थे जो स्थिति उनकी ननद की हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये बाज नहीं आई थी, उसके बाद भी इन्होंने वीडियो डाली थी, वहाँ से एंड उन्होंने ही किया था। इनको थोड़ा सा अगर कोई समझाने की कोशिश करता है ना, तो ये सामने वाले के सीधा चरित्र पे हमला करती हैं, सीधा उसके चरित्र पे हमला करती हैं। जबकि ये एक औरत के मुंह से शोभा भी नहीं देती। आज के डेट में एक औरत ही औरत के दुश्मन है ना, इस चीज़ का बहुत एग्जांपल हमने देख लिए कि जब कुछ समझ में ना आए तो पहली चोट में ही सामने वाले के चरित्र पे वार कर दो, वो औरत वहीं पे चुप हो जाएगी, उसका मुंह वहीं पे बंद हो जाएगा।
तो यही इस बार इन्होंने सपना के साथ भी किया, क्योंकि सपना के साथ कोई आदमी नहीं है, वो दोनों औरतें हैं, एक छोटी बच्ची है, एक सपना है। तो इनके बेटे ने सपना को बुरी तरीके से डराने की कोशिश करी, तेरी दुकान पे आऊँगा, तेरे साथ ये करूँगा, तेरा वो करूँगा, पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियाँ, क्या क्या धमकी कि मैं वहीं पर आके जो करूँगा। एक बुआ को धमकी दी, फिर दूसरी बुआ के बेटे के पास जाके बात करता है, मतलब क्या बनाना चाहते हो उसको, कल को वो सच में कुछ कर देगा फिर क्या करोगे, कल आपके उकसाने पे, आपके इस लड़ाई झगड़े के कारण, आपकी इस बोली भाषा के कारण, आपके लड़के जिसके अंदर ज़्यादा ही अभी इस समय जवानी का खून उबल रहा है, उसने कोई ऐसी हरकत कर दी, फिर आप क्या करोगे, फिर उसके ज़िम्मेदार वो नहीं आप होंगे, फिर अपने बेटे को आज इस मुकाम तक लाने के ज़िम्मेदार, आज उसको इस कदर ललकारने के ज़िम्मेदार आप ही होंगे, आप ही होंगे। कि कल को अगर आपका बेटा कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, किसी के साथ कर देता है, किसी की जान मान ले लेता है, किसी के साथ मारपीट कर देता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, और उस वक्त फिर आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि आपने किस क्राइम को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, क्यों अपने बच्चे को रोका नहीं और क्यों इस लड़ाई को यहाँ पर ख़त्म नहीं करा। आपकी लड़ाई आपके अपनी पति के साथ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और अगर वो लड़ाई आप नहीं संभाल पा रहे हो तो उस रिश्ते में क्यों हो, किस लालच से उस रिश्ते में हो, अपने रास्ते बिल्कुल अलग कर दो ना, आपकी नंदों ने भी तो अलग करे अपने रास्ते, आप भी अपने रास्ते अलग कर लो, लेकिन रास्ते अलग भी नहीं कर रहे हैं और परिवार को टारगेट करना है, भैया ये कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में ये अपना नुकसान कर बैठेंगी। हम अपने एंड पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, चीज़ों को समेट लो, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो, अपने बच्चों को सही राह पे लेके आ जाओ। कल को ये बच्चे हाथ से ऑलमोस्ट निकल ही गए हैं वैसे तो आपके हाथ से, लेकिन इतने ना निकल जाएं कि फिर आप इनको हाथ पकड़ के वापस लौट के ना लेके आ पाओ। मत करो ऐसा, आए दिन टीवी में न्यूज़ में ऐसी चीज़ें आती हैं, इसी उम्र के बच्चे होते हैं, 17, 18, 19, 20 साल के इसी उम्र के बच्चे होते हैं जो इतने बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं और उसके बाद माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। तो अभी भी टाइम है, अपने बच्चों को संभालो, अपनी घर गृहस्थी संभालो, दूसरा क्या कर रहा है, उसकी घर गृहस्थी कैसी चल रही है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप सिर्फ अपनी घर गृहस्थी संभालो, और जिस रिश्ते में नहीं रहना है उस रिश्ते को छोड़ दो या उस रिश्ते को अपना लो, लेकिन दूसरों पे बोलना छोड़ दो, अपने घर पे, अपनी घर गृहस्थी पे, अपने बच्चों पे प्लीज़ ध्यान दो, ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, प्लीज़ इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।